and Eagle Double G. Snoop Dogg. हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो माय चैनल। तो भाई लोग आज का जो गेम प्ले यार थोड़ा बिल्कुल अजीब ही होने वाला है, क्योंकि भाई आज के गेम प्ले में भाई मैं मतलब अपना जोन प्रेडिक्ट करके इसमें जाता हूँ, जोन रोटेशन देता हूँ, और भाई आज का जो मतलब गेम था, ये वाला जो गेम प्ले था, इस वाले में मतलब बिल्कुल उल्टा काम होता है, क्योंकि भाई इतने एक्सपीरियंस से मुझे इतना पता रहता है कि जोन कहाँ क्या कैसे बनता है, तो मैं उसी हिसाब से भाई जोन रोटेशन देता हूँ, और भाई हर बार यहाँ पे अलग जोन बन जाता है, और भाई मेरे को बिल्कुल मतलब उल्टा घूम घूम के जाना पड़ता है, मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाता है इस वाला गेम प्ले में। तो यार वो गेम प्ले देखोगे तो समझ में आएगा तो कि क्या ही सीन हुआ था। और फिर उसके बाद भी भाई इतनी मतलब इतनी मुश्किल के बाद भी इस गेम प्ले में चिकन निकालता हूँ यार भाई। यार ये वीडियो देखना तो यार बनता है, तो यार पूरा वीडियो जरूर से देखना। तो भाई मैं इधर उधर देख रहा था और इधर तभी फायरिंग होती है, मैं जैसे ही देखता हूँ मुझे यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, और देखो इस बंदे को मैं यहाँ पे पेल देता हूँ। अब भाई ये बंदा यहाँ पे क्यों नहीं हटा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पे एक किल मिल चुका था, और एक और बंदा जो था वहाँ पे जो फायरिंग कर रहा था वो अभी भी स्क्वाड हाउस में ही था। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, और मैंने सोचा चलो अपन आगे चले जाते हैं, अपने को यहाँ पे गाड़ी उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई गाड़ी जोन रोटेशन के लिए हमेशा ज़रूरी होती है, और इससे पहले कोई गाड़ी उठा के मेरी भाग जाए मैं यहाँ पे गाड़ी उठा लेता हूँ। तो भाई मैं जाके यहाँ से सामने से गाड़ी उठाता हूँ, और उसके बाद वो सामने वाले स्क्वाड हाउस वाले बंदे को जाके देखता हूँ कि भाई वो बंदा कहाँ है, उसको स्पॉट करता हूँ, ताकि भाई अगर वो बंदा यहाँ पर दिख जाता है तो उसको भी यहाँ पर मैं पेल दूँगा। तो देखो यहाँ पर से गाड़ी उठा के मैं सीधा निकल जाता हूँ। तो वही मैं सामने की तरफ जाता हूँ और इस बंदे को यहाँ पे स्पॉट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये बंदा मुझे दिख जाता है इस घर के यहाँ पर। तो मैं वेट करता हूँ कि भाई ये बंदा जो है जोन में आए, और फिर बाद में इस बंदे को यहाँ पे मैं मारूँ। तो देखो ये बंदा यहाँ पे दिखता है मुझे। तो भाई यहाँ पे ये बंदा स्पॉट हो गया था, उसके बाद भाई मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, और तभी बंदा जो है यहाँ पर देखो खुले में आ जाता है। और भाई यहाँ पे पूरी VSS में हगा, लेकिन भाई उसके बाद मैंने AKM से मारा और इजी यहाँ पे मार दिया, बंदा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया, और मतलब ऐसे नूब सा बंदा था, लेकिन इसको इजी यहाँ पे मैंने मार दिया। और उसके बाद यहाँ से गाड़ी लेके मैं निकल जाता हूँ यहाँ पर स्क्वाड हाउस के, इसको लूटने। अब भाई यहाँ पे आसपास मैं लूट लिया था उसको, और आसपास जो दूसरी लूट थी भाई वो वाली भी लूट लिया था। देखो ये बंदा बोट वगैरह था, मुझे लग नहीं रहा था, जिसको मैंने वहाँ से VSS से मारा था। तो इस बंदे को भी यहाँ पे मैं लूट लेता हूँ। उसके बाद भाई यहाँ पे जोन जो है वो दूसरी तरफ बन मतलब लग रहा था मुझे कि बनेगा, तो मैं यहाँ पे आके बोट ले लेता हूँ, और भाई ब्रिज के उस तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई ये जो जोन है भाई ये ब्रिज के उस तरफ ही बनेगा, क्योंकि भाई ये वाला जोन मैंने बहुत बार देखा है, ये ब्रिज की उस तरफ ही बनता है, मिलिट्री की तरफ। देखो आपको जोन में दिखा देता हूँ कैसा जोन था, तो पूरा मिलिट्री की तरफ बनता था। तो मैं यहाँ से देखो गाड़ी मतलब बोर्ड लेके पहले ही निकल जाता हूँ, इससे पहले बाद में अपने को दिक्कत आए, कोई बंदा आके अपने को पेल दे। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी कोई भी बंदे नहीं आए हुए, तो मैं सीधा सीधा जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे गाड़ी भी मिल जाती है, और मैं गाड़ी लेके भाई यहाँ पे एक शेक में जाके बैठ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे सेंटर लग रहा था जोन का। और जहाँ पर सेंटर में बैठने के बाद एकदम से भाई क्या होता है, मतलब जैसे ही मैं जोन देखता हूँ नेट जोन जैसे बनता है, देखो भाई जोन कहाँ पर बनता है, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल, मतलब यार पूरा ब्रिज के उधर बन जाता है। तो मैंने सोचा यार अब मैं ब्रिज से जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा मैं वापस से बोट लेता हूं, और बोट उठा के वापस से जाता हूं। और उस तरफ भाई जोन मतलब जोन का रोटेशन नहीं था, तो शायद से वहां पे गाड़ी भी मुझे कहीं ना कहीं मिल सकती है, क्योंकि सब बंदे जो हैं वो जोन रोटेशन दे रहे होंगे इस टाइम पर, तो यहाँ पर इस तरफ तो कोई भी नहीं होगा। तो देखो मैं ऐसे सीधा सीधा आगे की तरफ चला जाता हूँ, और मुझे यहाँ पे किस्मत से एक गाड़ी भी खड़ी मिल जाती है, और देखो मैं वहाँ से गाड़ी भी उठा लेता हूँ। और जैसे ही मैं गाड़ी उठाने जाता हूँ भाई पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है,
अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट भी लेट हो जाता तो भाई ये जो बंदा आया था ना यहाँ पे, ये बंदा मुझे यहाँ पे मार देता। लेकिन किस्मत से यहाँ पे मैं बच जाता हूँ और मुझे गाड़ी मिल जाती है, और जैसे ही वो बंदा आता है उससे पहले ही मैं ऐसा निकल जाता हूँ। अब भाई यार आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि यार भाई कल जो है ना, मैं इसलिए प्लस नहीं किया, मतलब 20 से 30 ही प्लस कर पाया, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा भाई हैकर टीम अप आ रहा था कि भाई पीछे पड़ पड़ के मारा भाई मुझे इतना गंदा। और अगर मैं पास टीयर प्रोटेक्शन कार्ड नहीं होता तो भाई मेरा कल 100-200 माइनस तो लग चुका होता, मतलब 97 रैंक पे मरा हूँ एक बार तो यार हद, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे ऐसे हैकर वगैरह आ रहे भाई कि क्या ही बोलूँ। तो भाई 5 मतलब रैंक प्रोटेक्शन कार्ड मेरे बिगड़ गए थे कल, तो मैंने फिर खेला ही नहीं, और आज तो मैं खेल ही नहीं पाऊँगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो यार कल वीडियो नहीं आएगी, लेकिन परसों से वीडियो अपनी आएगी। तो भाई यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, इसको मैंने मारने का ट्राई किया, लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पे बच जाता है, तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ो और अपन थोड़ा सा कवर में अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये बंदा एक बार दिखता है, और भाई मैं इसे वन टैप में मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन ये बच जाता है, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब जोन वैसे भी आ रहा है, ये जोन में तो आएगा ही सही, फिर इसको यहाँ पे इजी पेल देंगे। तो भाई यहाँ पे जोन भी आ जाता है, और उसके बाद भाई ये बंदा यहाँ पे स्मोक वगैरह देखो करके निकलने का ट्राई करता है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे स्पॉट हो जाता है। और भाई इस बंदे को भी मैं यहाँ पे इजी पेल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जोन आ रहा था, तो भाई मैं यहाँ से देखो निकल जाता हूँ, मैंने पहले तैयारी कर ली कि भाई टाइम से अपन यहाँ से निकल लो, वरना बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अपन चेन एंड मतलब जोन एंड होता है और अपन निकलते हैं, तो भाई बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एकदम से बंदे बंदे मारते हैं और जोन का डैमेज भी पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्मोक किया और भाई जल्दी से मैं आगे निकल जाता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ सामने की तरफ है बगी है। अब भाई अब बगी पे मैंने देख लिया यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैं यहाँ पे आके लेट जाता हूँ, और इधर ही मैं मतलब पेन किलर ले रहा था, तभी मुझे यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हो जाता है। और देखो इस बंदे को क्या ही मैं यहाँ पे देता हूँ, मतलब मेरे पास एमओ बस 40 ही बची थी, और देखो यहाँ पे क्या पेलता हूँ इस बंदे को मैं। तो भाई जैसे ही इस बंदे को मैंने यहाँ पे मारा, मैं बगी उठा के भाई इसकी पोजीशन ले लेता हूँ जाके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई जो जोन होगा उधर ही होगा, और उस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लूट भी मिल सकती है मुझे, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो M4 की एमओ तो मिल ही जाएगी। लेकिन भाई इसके पास M4 की एमओ तो यहाँ पे थोड़ी सी ही थी, यहाँ पे ज़्यादा इसके पास M4 की एमओ नहीं मिलती। और तभी देखो यहाँ पे तभी मुझे यहाँ पे ये बंदा स्पॉट हुआ, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दिया, लेकिन भाई वो बंदा यहाँ पे 1 HP लिटरली 1 HP से बच गया, और उसके बाद वो गाड़ी लेके निकल गया। तो मैं यहाँ पे आके भाई इस कवर में रुक जाता हूँ थोड़ी सी देर, और तभी देखो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आसपास से निकलती है। तो भाई यहाँ पे एकदम से डर का माहौल था, क्योंकि मैं स्प्रे भी नहीं दे सकता था, मेरे पास एमओ की कमी थी। और तभी भाई ये देखो मतलब क्या ही मतलब खतरनाक वाला माहौल हो रहा था इधर। तो मैंने सोचा भाई अपने को जोन में यहाँ पे जाना है, और अपन खुले में जाएंगे तो भाई पक्का पिल जाएंगे। तो मैंने सोचा भाई थोड़ा सा अपन आगे जाते हैं ड्रॉप पे, और वहाँ पे देखते हैं कुछ एमओ एमओ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। तो मैंने सोचा चलो आप जल्दी से स्मोक डाल देते, और स्मोक में से ही अपने को भागना पड़ेगा। तो देखो मैं स्मोक डालता हूँ, और तभी भाई ये BIDM वाला बंदा मुझे यहाँ पे परेशान करने लगता है। देखो ये सामने से आएगा भाई, थोड़ा परेशान भी मुझे करेगा। तो भाई एक बार तो मैं इस बंदे से बच गया, लेकिन अच्छा रहा इस बंदे ने रुक के मुझे परेशान नहीं करा ज़्यादा। और फिर मैं वापस से आगे की तरफ जाता हूँ, और तभी BIDM वाला बंदा वापस से आ जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि सामने जो बंदा लेटा है वो शायद मुझे ना मार दे, लेकिन भाई उससे ज़्यादा डर रहा तो मुझे ये वाला बंदा रहा था। लेकिन जैसे तैसे यहाँ पे बचता हूँ, और भाई जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, मुझे पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी पड़ी हुई थी। तो मेरे पास यहाँ पे 7 नेट्स थे, और भाई मैं यहाँ पे 7 के 7 ही नेट इस पे दे मारता हूँ, लेकिन ये बंदा फिर भी नहीं मरता, मतलब एक एक जगह पे चुन चुन के नेट मारा था भाई मैंने। यार भाई ये बंदा कैसे बच गया मेरे को समझ नहीं आया। और देखो भाई क्या ही सीन करता हूँ यहाँ पे, मतलब हर हर कोने में भाई मैंने नेट मारे यहाँ पे। उसके बाद भाई मुझे यहाँ पे जो 2 मोली बची थी वो डालनी पड़ती है, और फाइनली भाई ये बंदा यहाँ पे मोली से जल के मर जाता है। अब भाई यहाँ पे मारा और मुझे शांति हुई, मैंने सोचा अब जाके अपने को अच्छी खासी लूट मिलेगी, और भाई मैं जाके इस बंदे को यहाँ पे लूट लेता हूँ। यहाँ पे M4 वगैरह की एमओ भी मुझे अब मिल ही जाती है,
तो अब यहाँ पे बचे थे बस दो ही बंदे, तो मैंने सोचा अपन तो जल्दी से लूट करते हैं और ध्यान देते हैं इन दो बंदों पे, इससे पहले अपने ऊपर रश वगैरह हो जाए या फिर नेट वगैरह आ जाए। और तभी भाई मुझे एक बंदे की लोकेशन जो BRDM में था उसकी तो पता ही थी, दूसरे तो भाई इसकी BRDM फोड़ने का मैं अब ट्राई करता हूँ। तभी भाई ये बंदा मुझ पर फायरिंग लेता है और भाई दूसरा बंदा इसको मार देता है। तो यहाँ पे वो दूसरे बंदे की मुझे यहाँ पर लोकेशन ऐसा लगा जैसे मुझे पता थी, तो मुझे लगा वो सामने पेड़ के वहाँ पर होगा है, क्योंकि साउंड से मुझे ऐसे ही लगा। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ भाई ये बंदा मुझ पर गोजा चला देता है। अब भाई यहाँ पर मेरा एयरफोन ऐसे ही है, मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से आवाज़ नहीं आती, तो भी भाई मैं इस बंदे को इजी यहाँ पे मार देता हूँ और यहाँ पे मेरा चिकन डिनर हो जाता है 6 किल के साथ में। यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया होता है सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अंडे वाले बर्गरों में सरकारी दफ्तरों में आ रहा मजा मुझे, मजा आया।